सीरियल अनुपमा में पहली बार वनराज की बेइज्जती करते नजर आएगा। तो जो आने वाले एपिसोड में देखने को मिलने वाला है कि पाखी यहाँ पर मंदिर के सामने खड़ी होती है और उसे दीपक बुझता हुआ दिखता है, जिसमें कि बापूजी की और अनुपमा की उम्मीदें होती है और बापूजी ने शादी के लिए दीपक जलाया होता है और इतना कुछ उसके दिमाग में चल रहा होता है कि वो भाग कर उस दीपक में घी डालती है और उसे बचाते नजर आती है बुझने से। और ये सब कुछ अनुपमा और किंजल देखकर काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन पाखी वहां से बिना कुछ कहे वहां से निकल लेती है और अनुपमा काफी खुश हो जाती है और किंजल कहती है देखना उसने एक कदम तो बढ़ा दिया और जल्दी वो आपकी तरफ भी बढ़ जाएगी। और इतना कुछ सोचा है वो भी काफी कुछ है। देखने को मिलता है कि अनुज के पास में पहुंचती है अनुपमा की मॉम और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं और बेटे की तरह उसके पैर दबा रहा होता है और अनुपमा ये देखकर इमोशनल हो जाती है। और वही यहाँ पर देखने को मिलता है अनुज कहता है कि लो ये तो मैंने देख ही लिया कि ये भी तुम्हारी मॉम ही है और वो सॉरी सॉरी ये सब कुछ कहते नजर आती है और एक दूसरे से वादा भी करते हैं और अनुपमा और अनुज से दोनों से वादा लेती है कि वो एक दूसरे को खुश रखेंगे, दोनों को आशीर्वाद देती है। और यहाँ पर देखने को मिलता है कि यहाँ पर अनुज भी वादा लेता है और कहता है कि अब तो मुझे भी मिल गई है और वो सारे वादे करता है जो वनराज ने कभी नहीं किए होते हैं। और इसी को देखकर वापस अनुपमा की मॉम काफी इमोशनल होते हैं नजर आती है। उसके बाद देखने को मिलता है कि यार बापूजी और काका आते हैं और पहला न्योता उन्हीं को देते हैं और ये देखकर भी वो काफी इमोशनल हो जाती है और अनुज कहता है कि लो देखो कितनी ये तुम्हारी माँ तो माँ ही है। और देखने को मिलता है कि वो अनुज का तिलक लगाती है, उन दोनों की नजर उतारती है और उन्हें रिंग भी देती है और जबरदस्ती उन्हें रिंग थमा भी देती है। तो कहता है कि आपको भी वादा करना पड़ेगा कि अगर आपको कभी भी कोई जरूरत पड़ेगी तो आप अनुज से पहले मुझे कॉल करेंगी। ये सब कुछ देखकर उसे भी फ्लैशबैक में सारी चीजें याद आती है कि बा और वनराज किस तरह से उनकी बेइज्जती कर दिया करते थे गरीबी के चक्कर में, लेकिन अनुज तो सबसे अलग है और उसे दूसरा मौका मिला है ये वो काफी खुश है और अनुपमा भी काफी खुश है कि अब उसकी माँ भी उस शादी को एंजॉय कर सकती है। तो वही दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि काव्या भड़की हुई है और उसके दिमाग में राखी दवे की सारी बातें चल रही होती है और वो वनराज को कोई भाव नहीं दे रही होती है। तो वही अब यहाँ पर समर का काफी गद्दे वद्दे लेकर आ रहा होता है तो वह कहती है कोई नहीं आएगा यहाँ पर, सिर्फ बर्बादी आएगी और वो उसकी बद्दुआ भी खाली बिल्कुल नहीं जाएगी। तो अनुपमा को भी बद्दुआओं का डर होता है और उसकी माँ उसे समझाते नजर आती है कि दुआ बद्दुआ कुछ नहीं होता, हमारा विश्वास होता है कि इस दुआ में हमारा कुछ भला होगा और बद्दुआ से बुरा हो जाएगा। अगर तुझे विश्वास है कि तूने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो कुछ तेरे साथ ही कुछ गलत नहीं होगा और वो खुश रहे और उनको कुछ भी करने दे जो उन्हें कुछ करना होता है। वहीं पर देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड में किस तरह से तोशु अब किसी और को नहीं इन्वेस्टर किसी और को नहीं राखी दवे को बनाना चाहता है और अपने कैफे को नई शुरुआत करना चाहता है, लेकिन वनराज साहब इनकार कर देते हैं कि हमें इनसे मदद नहीं चाहिए और तोशु इसी बात को लेकर उस पर भड़कते नजर आएगा कि आप लूजर हैं, आपके जैसा बनना चाहता था लेकिन मैं अब आपके जैसा कभी नहीं बनना चाहूंगा। और यहाँ पर वनराज बुरी तरह से टूट जाएगा जिसे अनुपमा ही संभालते नजर आएगी। अब देखते हैं कि वनराज पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है, अब किस तरह से अनुज उसकी मदद करेगा। तो काफी कुछ होने वाला है आने वाले शो में और साथ में ही शो की एक नई शुरुआत होगी नमस्ते अमेरिका में।